पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था, उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार में दो जगह उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसको लेकर बवाल बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। कांग्रेस भी गठबंधन से भी अलग होकर अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, राजद ने भी उतार दिया है। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल की श्याम रजक से, श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए। दल के नेता जो हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस का इस बीच एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि राजद लालू प्रसाद यादव को उतार दे या फिर किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस की जीत तय है, राजद समझ ले। देखिए, मुझे कांग्रेस पर कुछ नहीं कहना है। हमारा गठबंधन और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता। हमने पहले ही कहा था कि हमारी ताकत वहाँ है। श्री तेजस्वी यादव जी का लोगों में आस्था व्यक्त हुआ है और आज जो कुशेश्वर स्थान या तारापुर या पूरा बिहार हो, 12,000 वोट ना ज़्यादा आया था NDA को। ये तेजस्वी यादव जी का ही कमाल था और तेजस्वी यादव जी में पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था। उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे। आज वो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दुखी है, जो सही चीज़ों से अपने को एहसास नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा पर मुझे दया आती है, तरस आती है। मुझे उनके दुख से कोई हमको बेर नहीं करना है, उन पर तरस आती है। कांग्रेस उम्मीदवार खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई खामियाजा नहीं। हमारा उम्मीदवार जो है जमीनी उम्मीदवार है, कोई आकाश से लाया उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो मुसर समाज से है और सिर्फ समाज से ही नहीं है, वो लोगों के बीच में लगातार काम करते रहा, लगातार लोगों के बीच रहा। गणेश भारती अपने आप में वहाँ जा कर के आप आकलन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो पता चलेगा कि जमीनी कार्यकर्ता अरुण शाह हमारा तारापुर का, वो भी जमीनी है, असरगंज का रहने वाला है, लेकिन वो लोगों के बीच काम करते रहा। समय आएगा 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को जनता तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर मतों से जिताएगी। 2 तारीख को जब घोषणा होगा उसमें आपको। तो आपने श्याम रजक को सुना, उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी में आस्था है, सबकी विजय हमारी होगी, चुनावी सब पार्टी उतारा है कोई बात नहीं, मगर जीतेंगे हमारे कैंडिडेट, क्योंकि तेजस्वी में युवा हो या कोई भी वर्ग के लोग भरोसा ज़रूर रखते हैं। अब देखने वाली बात है जीत किसकी होगी, मगर अभी जो ज़ुबानी जंग है वो शुरू है और राज्य फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और कह रही है जीतेंगे तो हम ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।